So as we all know that there are a lot of reforms and historically things have started happening which had never happened before. तो हमारा UTF लद्दाख में there is an impetus to go for equitable growth in all the regions, as you know, Leh as well as District Kargil. Both the twin districts have to get all kinds of developmental activities, and the focus is on that only. उसी के रिगार्डिंग वी आर गोइंग टू टेल यू फ्यू थिंग्स. लाइक आई एम हैंडलिंग सम फोर फाइव डिपार्टमेंट्स, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि मेजर हाईलाइट आई वुड से विच इज हैपनिंग इन आर मेजर थिंग दैट इज दिस इज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट. हम एक बहुत हिस्टोरिकली भी कहूँगा और कंट्री के लिए कहूँगा, फॉर द फर्स्ट टाइम वन थिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फाइव हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड बसेस. पांच हम ऐसी बसेस लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे. अभी उसका टेस्टिंग शुरू हो जाएगा ट्रायल बेसिस पे अगले 2 महीने तक. तो हम यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड बसेस, विच इज हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन द कंट्री. भारत में पहली बार होने जा रहा है जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐसा बसेस होगा. अभी हमारे माननीय जो सड़क परिवहन मंत्री हैं वो सुनते हैं कि उनके पास भी एक हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड कार है, वो उसमें ट्रेवल करते हैं. तो ये पहली बार हमारा लद्दाख यूटी जो है उसने ये इनिशिएटिव लिया है. और इसमें हम ये जो गाड़ियां हैं, करीब 5 गाड़ियां हम अगले 2 महीना टेस्टिंग के बाद अक्टूबर के करीब लॉन्च कर देंगे डिफरेंट रूट्स पे. ये एक वर्जन है जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी एक आगे जाके ईवी से भी नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड बसेस. और इसमें जैसे आप जानते हैं पानी में वाटर में मॉलिक्यूल H2O जो होता है, H2O को ये हाइड्रोजन को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके ये गाड़ी उसी से चलती है. और इसके एमिशन का मैं आपको बताऊं तो वाटर वेपर निकलता है, यानी कि वो भी प्रदूषण तो दूसरी तरफ है, ये एक तरह से वातावरण के लिए सहयोगी चीज है. तो ये बहुत एक यूनिक इनिशिएटिव है और इसको इंटरेस्ट लेकर NTPC से के द्वारा ये किया जा रहा है. CSR के अंडर दे विल हैंड ओवर द बसेस टू अस टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ यूटी सून. तो वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है. इसके अलावा हमने 8-9 बसेस था जो हमने अभी विड्रॉ किया है, जो हमने रखा था फिलहाल. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात बता रहा हूँ, जो हमने अपना फ्लीट बढ़ाया है, जो हमारा जो सिडको के थ्रू मूव करता है, सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के थ्रू. तो वो बसेस भी जो है वो हमने आगे डिसाइड किया हाईएस्ट लेवल मीटिंग पे कि हम वो पब्लिक रूट्स पे डाल देंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यूज करेंगे. और स्कूल कॉलेजेस में पहले वो चलती थी गाड़ियां, उधर तो सिर्फ सुबह और दोपहर के लिए रहता है, तो पूरा दिन उस गाड़ी का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था. तो अभी रिसेंटली हमने सिडको को हैंडओवर कर दिया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से 9 और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो अब करीब फ्लीट हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए है लेह और कारगिल दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में मिला के 19 के करीब हो गया. 19-20 गाड़ियां हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में. और तीसरा मैं ट्रांसपोर्ट का एक इनिशिएटिव आपसे और शेयर करूंगा. जो कैरेज के लिए गाड़ियां होती हैं, जैसे गुड्स कैरियर टाइप गाड़ियां जो होती हैं, उसमें भी हम मंडे को, आप सबको भी इनविटेशन है, हम एक लॉन्च करने जा रहे हैं इनिशिएटिव विच इज बेसिकली लोड कैरियर जो गाड़ियां हैं उसमें एक एक्सपेरिमेंटेशन. यहाँ पे एक NGO है उसके थ्रू हम लॉन्च करेंगे और उसकी भी ट्रायल टेस्टिंग चलेगी. अभी तक तो सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज हो रहा था, अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम इसमें ला रहे हैं जो कैरियर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए. तो वो जैसे 400 चार छोटा गाड़ी टेम्पो टाइप छोटा गाड़ियां हैं, तो जैसे इधर से उधर मूवमेंट हो. और इससे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर हम ये कमर्शियली भी लॉन्च करेंगे. और एक हम और ट्राई करेंगे ई रिक्शा के लिए, जो लेह और कारगिल सिटीज से हम स्टार्ट कर सकते हैं. तो ये परिवहन विभाग के हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो टोटली इन्वायरमेंट फ्रेंडली लद्दाख बनाने की तरफ हमारा एक रोल प्ले करेंगे, जिसमें लेह और कारगिल खासकर जहां पे ज्यादा ट्रैफिक का वॉल्यूम रहता है और प्रदूषण का एक वो चांसेस रहता है, तो उसको कट डाउन कर्टेल करने के लिए ये कुछ हमारे यूनिक इनिशिएटिव्स हैं जो हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ले रहे हैं.
अब मैं आपको और कुछ डिपार्टमेंट्स के इनिशिएटिव्स का भी शेयर जरूर करूंगा आपके माध्यम से। हम अपने लेह लद्दाख के जो सिटीजन्स हैं और कारगिल लद्दाख के जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको भी बताना चाहेंगे और सबको दूसरे इनिशिएटिव शेयर करेंगे। जैसे हमने डिजास्टर मैनेजमेंट को भी एक हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रायोरिटी है और उसी के उपलक्ष्य में हमने रिसेंटली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA को इनवाइट किया था और उन्होंने क्विकली रिस्पॉन्ड करके हमारे यहाँ पे मॉक एक्सरसाइज किया, आप जानते होंगे, आप सबने भी शायद कवर किया था, जिसमें हमने एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो पिछले दिनों माननीय उपराज्यपाल जी ने यहाँ पे जिसका इनॉग्रेशन किया था उसको फंक्शनल किया और वहां पे हमने मॉक ड्रिल किया, मॉक एक्सरसाइज किया अर्थक्वेक को लेकर, यानी कि जो हमारा आप जानते हैं सिस्मिक जोन में आता है जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक पूरा मॉक ड्रिल किया। पहले दिन दो एक दिन छोड़कर पहले हम ऑफिसर्स का ब्रीफिंग रहा, फिर उसके बाद मॉक एक्सरसाइज हुआ जिसमें एक्चुअल में सिमुलेशन किया गया, जैसे कोई अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई भूचाल आ जाता है या कोई किस तरह का आता है त्रासदी होती है ऐसी आपदा में हमने क्या करना है, तो वो हमने NDRF की टीम्स लाई और उसको लेकर हमने एकदम काफ़ी जैसे ऊपर से छत से छलांग लगाने को लेकर और या फिर कहीं पे कोई रिलीफ कैंप बनाया है जहां पे लोगों को विस्थापित, जैसे कई आज आप देख रहे हैं हिमाचल में जैसे कल परसों से ट्रेजडी है तो फिर वो कैंप्स की जरूरत पड़ती है इमीडिएटली जब हाउस डिस्ट्रॉय हो जाए कुछ हो जाए, तो वो पूरा एक एक्सरसाइज हुआ कि जहां पे कैंप्स लगेंगे कैसे रिलीफ एक्टिविटी होगी, कैसे हमारे सिविल डिफेंस के लोग काम करेंगे, कैसे सब लोग आके वहां पे आपदा को कंट्रोल करेंगे, हर डिपार्टमेंट को ब्रीफिंग दिया गया और उसके उपलक्ष्य में उसके बाद हमारे जो हाईएस्ट लेवल बॉडी है लद्दाख डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसका मीटिंग लिया गया जिसमें हमारे माननीय एडवाइजर डॉक्टर पवन कोतवाल ने लीड किया और काफी हिस्टोरिकल डिसीजन डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर लिए गए। जैसे उसमें काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिसाइड हुई, हम स्ट्रेंथन करेंगे हमारी जो यूटी डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है UTDRF को, जिसमें बटालियन रेज करने की बात हुई है और इसी तरह से कुछ हमने एक प्रपोजल्स डालेंगे, जैसे यहाँ पे इन्वेंटराइजेशन की जाएगी, जैसे यहाँ पे BRO है, जैसे यहाँ पे ग्रेफ है, जैसे यहाँ पे आर्मी सिविल डिफेंस तो है ही है, एयरफोर्स है, सब है, सबके पास क्या इक्विपमेंट है, यानी कि कभी कोई ऐसा कोई डिजास्टर हो जाए, जैसे हमारे यहाँ पे अक्सर डिजास्टर्स आते रहते हैं, क्लाउड बर्स्ट है, अर्थक्वेक, तो चलो वंस इन ए वाइल कभी ऐसा होना नहीं चाहिए, बट उसके लिए प्रिपेयर्डनेस पे सारा एक्सरसाइज चल रहा था। तो ये इक्विपमेंट की इन्वेंट्री जब हमारे पास होगी तो हम इमीडिएटली प्रेस कर सकते हैं, तो वो एक इन्वेंटराइजेशन एक्सरसाइज की है। श्रीकांत को भी हमने कारगिल में कहा, यहाँ संतोष को कहा, तो दोनों डिप्टी कमिश्नर्स अपनी अपनी इन्वेंटराइजेशन करके बिल्कुल रेडी स्टेट में रहेंगे। कुछ हमने कहा कि जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं उनका स्केल बढ़ाने की बात की, उस तरह से काफी मेजर डिसीजंस लिए गए और NDRF का टुकड़ी जो है जो मेंट है हमारे यूटी लद्दाख को लेकर जो अभी लुधियाना से ऑपरेट करते हैं, हमने ये डिसीजन इन प्रिंसिपल लिया जिसमें हमारे माननीय उपराज्यपाल जी ने एक स्पष्ट तरह से डायरेक्शन दिया कि उनको तुरंत यहाँ बुलाइए, दे शुड स्टेशन हियर बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड, हमारे UTDRF वालों को भी वो मदद कर सकते हैं। और उस तरह से उन्होंने एक और हमारे उपराज्यपाल जी ने आदेश दिया कि एक NDMA के थ्रू हम जल्दी ही क्लाउड बर्स्ट पे भी मॉक एक्सरसाइज करवाएं क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंटली होता रहता है, वैसे लैंडस्लाइड भी यहाँ पे चलता है, एवलांच है, तो कुछ वो चीजें तो है ही है, तो और नाइट टाइम पे एक्सरसाइज ही की जाए। तो दोनों पॉइंट्स हमारे भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी NDMA के आए थे, उन्होंने नोट कर लिया, आलोक सर आए थे, तो अब वो भी शायद जल्दी ही कुछ उस तरह का वर्कशॉप बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर्स आएगा। और लास्टली हमने यहाँ पे आपदा मित्र 200 के करीब हमने ट्रेन किए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, हमारे लद्दाख यूटी के लिए, कुछ 100 के करीब ले कारगिल 100 के करीब ले में, और इन सब आपदा मित्रों के थ्रू हमने ग्राउंड लेवल पे फर्दर ट्रेनिंग दिलवाई है, यानी कि क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग भी मेरे पास है सचिव के तौर पर, तो हमने ये एक्सरसाइज बड़ी डेप्थ में करवाई, कुछ इक्विपमेंट भी परचेज किया हमने जो डिजास्टर रिलेटेड है,
इसमें हमने ये एक्टिविटी शुरू करवाई कि वहां पे जो हमारा वर्कर फील्ड पे है, कभी कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाती है या कभी एक मैन मेड डिजास्टर भी होता है, तो उसमें भी कैसे उनको एक्टिवेट करना है, वेट नहीं करना है कि बाहर से हेल्प आए, तो उसके लिए ट्रेनिंग हमने काफी करवाया। और मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय उपराज्यपाल जी के आदेश पर हमने बोथ जो हमारी यहाँ पे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, लेह की और कारगिल की, उनको हमने इन्वॉल्व किया है आने वाले समय में डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्टिविटी में। हमने दो काउंसलर्स उनको रिक्वेस्ट करके डेजिग्नेट करा लिए हैं, दोनों CECs को। तो अब आने वाले समय में हमारे पास डिजास्टर एंड रिलीफ काउंसलर भी रहा करेगा, विच इज अनदर थिंग इन्वॉल्व, जिसमें हम कहते हैं जन भागीदारी। और सबसे ऊपर तो हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स है, तो उनको हमने इन्वॉल्व कर लिया डायरेक्टली रिलीफ के लिए भी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी। और उसमें हम इस तरह से कोई भी डिजास्टर एक्टिविटी होती है, कुछ भी होता है, तो हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, सब डिपार्टमेंट्स को हमने पूरी तरह से तैयार कर लिया है इसमें। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, जैसे ग्रामीण विकास क्षेत्र में पुरजोर तरीके से काम हो रहा है, चाहे वो मनरेगा का काम है, चाहे वो हमारा वाटरशेड डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, या अभी हमारा इन्वॉल्वमेंट इन्होंने हर जल जीवन मिशन में भी हमारे जो वर्कर्स हैं उनको भी जहां पे हमारा सपोर्ट का जरूरत हो हम देते हैं। तो इसके साथ साथ ग्रामीण विकास में अभी हम मेरा माटी मेरा देश कैंपेन चला रहे हैं, जो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। उसकी 4-5 लेग्स हैं, जिसमें हम अलग अलग तरह के कार्यक्रम इन्वॉल्व कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कार्यक्रम आज हमने सुबह ही माननीय उपराज्यपाल जी की अध्यक्षता में यहीं पे लेह में स्पुतनिक में स्टेडियम में किया, जिसमें उन्होंने खुद कुछ ऐसे हमारे वीर सिपाही थे उनको ऑनर किया। और साथ साथ हम, जैसे आप जानते हैं कि माटी हर गांव से इकट्ठी हो रही है, तो उसका हमने जो कलश है वो तैयार करने में उनके दिशा निर्देश में हमने काफी उस तरह का एक वाइब्रेंट एक्टिविटी यहाँ किया है। और हर गांव में हर जगह, चाहे वो ध्वज आरोहण है, राष्ट्रीय ध्वज का है या राष्ट्रीय गान है, उसका प्रचलन हो रहा है। और हम पूरा सबको इन्वॉल्व करके रेजोल्यूशन डलवा के, जो जो रिस्पेक्टेबल हमारे डिग्नेटरीज हैं जिन्होंने इन्वॉल्वमेंट से काम किया है, देश की सेवा में काम किया है, वीर जवान जो लोग थे, उनको हर गांव गांव लेवल पे हर जगह पर हम उनको ऑनर कर रहे हैं। तो ये कैंपेन पुरजोर तरीके से पूरे लद्दाख में चल रहा है, जिसमें लेह और कारगिल दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में ग्रास रूट लेवल तक हम जा रहे हैं, चाहे वो द्रास का आखिरी गांव हो, या वहां से आप अगर पैंगोंग का आखिरी हो, या मनाली के पास लास्ट तक। तो ये हम पुरजोर तरीके से वो कैंपेन भारतवर्ष के जो, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे लद्दाख यूटी में चलाया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आईटी के क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, क्योंकि उसका भी मैं सचिव हूं, तो उसमें हम अच्छा काफी चीज टेक्नोलॉजी ला रहे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे स्टेट डेटा सेंटर, जिसको यूटी का डेटा सेंटर है, वो प्रोजेक्ट मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। और अभी हमने CPWD जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है उसको हमने टाइमलाइन दे दिया है। कोशिश ये है कि 30 सितंबर तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए। और साथ साथ हमने जो मशीनरी इक्विपमेंट आना है ये सब ऑलरेडी हो चुका है, तो उनको भी डायरेक्शन दे दिया है जो ये प्रोसेस में लाइंड अप है, कि जल्दी से जल्दी उसको फंक्शनल किया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमने एक सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस सेल बना दिया है, जिसमें हमारे माननीय LG साहब से लेकर नीचे तक हर डिपार्टमेंट की ग्रीवेंसेज आया करेंगी। और वो ग्रीवेंसेज का जो आगे होस्टिंग है, वो हमारा EOC, जो मैंने आपको अभी बताया, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से ही हम प्लान कर रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज पॉइंट से चलाया जाए। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि हम यहाँ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी एक यूनिफाइड लाना चाहते हैं, जिससे कि एक तो पहले ही कोई आपदा आने वाली हो, हम पब्लिक को उसके लिए तैयार कर सकें, एकदम सिग्नल चला जाए, वो एक सेंट्रलाइज पॉइंट रहेगा पूरे हमारे लद्दाख यूटी का, जहां से फ्लैश हो जाया करेगा हमारे डिजास्टर टीम्स जो है हर डिपार्टमेंट की, वहां से हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक्टिविटीज देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में हर एक्टिविटी का, जैसे एक स्मार्ट सेंटर बन जाएगा वो, जहां पे हमने एक सेंसर्स के थ्रू तो पता करना ही है कि कोई ऐसे यहाँ पे कोई आपदा आने वाली है, पर अदरवाइज भी डेली रूटीन में कहाँ पे क्या, कोई अगर कोई एक्सीडेंटल केस है, कोई और इश्यू है,
24 आवर हेल्पलाइंस चलाई जाएंगी ताकि हमारे लद्दाख के लोगों को कभी कोई दुविधा में ना आना पड़े और वो 24 घंटा ऑपरेशनल रहा करेंगी। ये प्योरली एक पब्लिक रिलेटेड इनिशिएटिव है जिसमें माननीय एलजी साहब और एडवाइजर साहब बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं कि पब्लिक की सुविधा के लिए हमने एंड तक कार्यरत रहना है, लास्ट मिनट तक हमने जहां तक हो सके पब्लिक के तक जाना है और उनके सारे मसाइल हल करने हैं। और जैसे आधार सीडिंग है वो भी हमने काफी एडवांस लेवल तक पहुंचा दी है। ई ऑफिस हमारा अच्छा चल रहा है, हमने एक सीआरईओ भी पिछले दिनों मेरे आने के बाद हमने एक लॉन्च किया है, सेंट्रल रिपोजिटरी यूनिट, यानी कि लोग पहले दफ्तरों में हर सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरीज के ऑफिस में जाते थे, तो हमने जैसे जम्मू कश्मीर में भी और बाकी काफी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में शायद ये चल रहा है, तो हमने उस तरह से यहाँ पे लॉन्च करने का किया कि एक एक ही रिपोजिटरी है, सब डाक रिसीट वहीं पे आएगी और स्कैन होके रिस्पेक्टिव सेक्रेटरीज को चली जाएगी, तो पब्लिक की दुविधा भी खत्म हो गई और ये बार जगह जगह डाक जाना और समय की बर्बादी वो रोकने के लिए एक सीआरयू यूनिट यहाँ शुरू किया गया है सिविल सेक्रेटेरिएट में। तो बहुत से आईटी इनिशिएटिव्स लाइंड अप है, पर मैं सबकी खुशी के लिए एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे एक विजन चल रहा है कि हम यहाँ पे सिटीज जो हमारे शहर है लेह और कारगिल से शुरू करके फ्री वाईफाई जोन्स बनाएंगे, यहाँ एक वाईफाई जोन्स देने की कोशिश करेंगे जनता को, उसमें एक रजिस्ट्रेशन होती है जैसे आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पे है, हर जगह है वो आपका फोन नंबर लैच हो जाता है, यानी कि सिक्योरिटी कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए एक वाईफाई जोनेशन दी जाएगी, जैसे ले मार्केट हो गया, कारगिल मार्केट हो गया और जो प्रोमिनेंट एरियाज हैं जहां पे फ्री वाईफाई का प्रावधान रहा करेगा, तो उस तरह के काफी इनिशिएटिव, क्योंकि ये टूरिस्ट सेंट्रिक प्लेस है, यहाँ पे काफी हमारे टूरिस्ट आते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम ये चीजें लॉन्च करने का सोच रहे हैं जल्दी। और जैसे ग्रामीण विकास में मैंने आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स है और काफी काम होता है, तो ट्राइफेड का कल ही हमने उच्च स्तरीय मीटिंग लिया और जिसमें एक मीटिंग तो माननीय उपराज्यपाल जी ने लिया, तो ट्राइफेड के कुछ प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम लोगों को सब्सिडी या ग्रांट दे रहे हैं, वन टाइम ग्रांट मिलती है लोगों को, अपने मशीनरी लगाओ, कुछ ट्रेनिंग दिलवाओ लोगों को, तो काफी ट्राइबल वर्क्स, हम शाम को एडवाइजर साहब की सदारत में हम गए थे, यहाँ पे एक एग्जीबिशन चल रहा है अभी 10 दिन चलेगा, तो ट्राइफेड वालों का हमसे एक अनुरोध था कि हमारा जल्दी से जल्दी सब प्रोजेक्ट्स चलाइए, तो अब पुरजोर तरीके से हमने दिशा निर्देश दिए हैं हमारे निदेशक जो हैं ग्रामीण विकास के ताहिर जी को और उनकी टीम को कि ये जल्दी से जल्दी बिजनेस प्लान सबमिट करा के, तो जितना हो सके भारत सरकार चाहती है कि यहाँ का ट्राइबल कम्युनिटी जो काम करता है इतना यूनिक तरह से हैंडीक्राफ्ट वर्क है वो पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में जो एक तरह से विख्यात है उस तरह का क्वालिटी है उच्च स्तरीय, तो वो इनके थ्रू जीआई टैगिंग के थ्रू इनके वेबसाइट के थ्रू सब एयरपोर्ट्स पे इनके 150 के करीब आउटलेट्स हैं वहां पे हम अपने लोगों को सप्लाईज देने में मदद करवा सकें, फैसिलिटेट करा सकें, तो ये भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू होता है, तो ये कुछ इस तरह के इनिशिएटिव्स पुरजोर तरीके से चल रहे हैं। और लास्टली मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि देखिए कहीं भी कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी नई चीज होती है, तो वो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो भी एक विभाग है जिसको हम अब आगे बढ़ चढ़कर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी मेरे पास, मैं उसका भी सचिव हूं, तो मैं बताना चाहूंगा कि उस विभाग में हम जल्दी से एक साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल का गठन करने वाले हैं जिसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी काम कर रहा है और आज ही मैंने उसका मीटिंग लिया है, तो वो भी हमारा टारगेट है कि अगले कुछ दिनों में वो एक रियलिटी बन जाए, क्योंकि वो साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल है, वो बहुत तरह से मदद देने में एक कार्यरत रहेगा, जैसे कि हमारे लद्दाख यूटी में अभी आपने सुना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले ही बता रहे थे कि अब कृषि प्रधान काम करेंगे और ड्रोन देंगे कृषि का काम करने के लिए, एग्रीकल्चरल वर्क्स के लिए, तो ये सब मीडियम बनेगा हमारा साइंटिफिक इनोवेशन काउंसिल जिसका हम बड़ी जल्दी गठन करने वाले हैं, उसके लिए सोसाइटी का काम है, हमने डायरेक्शंस दे दिया अपना टीम को, तो ये एकदम स्पीड पकड़ेगा ये काम और उसके थ्रू अलग अलग तरह के साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स जिसमें हर तरह के काम होंगे, जैसे अभी हम आपको बताएंगे कि रिसेंटली हमारे सीईसी ले भी गए थे ताशी ग्यालसन साहब अहमदाबाद में और हम नासा अपना जो भारत का हमारा इसरो है इसरो का
एक वहां पे उनका ऑफिस उनका वो है सेंटर, और उस सेंटर के थ्रू यहाँ पे एक लामा करके प्रोजेक्ट्स, ये स्पेस स्टडी का प्रोजेक्ट भी यहाँ पे ला रहे हैं, ताकि यहाँ पे एक बड़ा सूटेबल नजर आता है कि यहाँ पे स्टार्स का सेलेस्टियल उनका वो स्टडी हो सकता है। जैसे आप जानते हैं चंद्रयान 3 जो भारत ने लॉन्च किया है इसरो के थ्रू, वो अपनी चरण सीमा पे पहुंच गया है, और बड़ी मुबारकबाद की बात है, आज ही उसने अपने सब ऑर्बिट छोड़कर और अगले बुधवार यानी कि 23 को उम्मीद है कि वो लैंड कर जाएगा, उसका जो विक्रम और वो बताते हैं अलग होकर स्टडीज होंगी। तो हम काफी स्पेस रिसर्च में आगे, इस तरह से हम लद्दाख की इस टोपोग्राफी को और जियोग्राफिकल लोकेशन को इस्तेमाल कर हम चाहते हैं कि भारत यहाँ पे मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटेशन करे और सोलर एनर्जी को पूरी तरह से टैप किया जाए। जैसे यहाँ पे 300 दिन सूरज की रोशनी आती है, जो भारत में बड़ी एक यूनिक प्रीपोजिशन है, कहीं भी भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश से सबसे ज्यादा यहाँ सोलर एनर्जी यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है। तो ये साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल जो हमारा इनोवेशन काउंसिल आएगा, काफी कुछ इस तरह के कामों में कार्यरत रहेगा। तो इस तरह से जितने भी मैंने आपको 4-5 विभाग के इनिशिएटिव बताए, हम पुरजोर तरीके से उसमें लगे हुए हैं, और आने वाले समय में इसको हम बढ़ाएंगे। जैसा हमने आपसे आज बताया है, इन्हीं चीजों को हम आगे लेकर चलेंगे, और सबका सहयोग चाहिए, जितने भी हमारे निवासी हैं लेह और कारगिल के, वो सब हम चाहेंगे सब सिटीजन सपोर्ट करें। वैसे ही आधार के साथ में एक जाते जाते और बात याद आ गया, आधार की हम सीडिंग पूरी बढ़ाएंगे और कॉमन सिटीजन डेटाबेस बनाएंगे। जैसे आधार एक यूनिक आईडी होता है, उसके साथ एक सेकेंडरी एक आईडी हम लद्दाख के, जैसे जन आधार काइंड ऑफ, कुछ राजस्थान और अलग राज्यों में ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स को बेनिफिट लेने के लिए हम एक यूनिक अपने आधार की एक आईडी बनाने की कोशिश करेंगे, उस पर भी हम कार्यरत रहेंगे। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स यूआईडीआई के साथ एमओयू साइन करके हम जो हमारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो अथॉरिटी है, तो इस तरह से हम काफी इनिशिएटिव्स आने वाले समय में लेने वाले हैं। लद्दाख यूटी जो बहुत समय से डिजर्व करता था, जो हमारा एक नया यूटी बना है लद्दाख रीजन, तो इसको हम उस लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे जो जो इसका पोटेंशियल पूरा रियलाइज हो। धन्यवाद।